हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े थे, और उस टाइम पे मैंने आपको हल्का हिंट भी दिया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। इसके ऊपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और आपके पेपर में भी आएगा ही आएगा, चांसेस तो पूरे बनते हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आया तो इसके ऊपर आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, तो इसको समझने बहुत सिंपल सा तरीका देखिए समझने का, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आप यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का 50 मीटर का है। ठीक है, और एक एग्जांपल समझिए, ट्रैवल करने का मतलब आप रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पास जीरो और ये लास्ट पॉइंट 50 मीटर का, ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करते हैं जॉगिंग, अपना स्पीड को पिकअप करते हैं, ठीक है, जब आप दौड़ना चालू करते हैं तो होता क्या है, स्टार्टिंग में आप काफी तेज से दौड़ते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द रनिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द रनिंग मतलब रनिंग के टाइम पे होता क्या है कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ रहे थे। ठीक है, अब आपने देखा कि आपके पीछे भी काफी सारे लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आपके पास पहुंच रहे हो एक एग्जांपल, तो आपने क्या किया, अपने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, 10 के जगह उसको क्या कर लिया, 15 कर लिया, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब इसने फिर ऐसा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, देखा कि आपने जो आपके पीछे दौड़ रहे थे जिन लोग, उन लोग क्या हो गए, आपसे काफी पीछे हो गए, तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा अपने स्पीड को डाउन कर लूं 10 मीटर पर सेकंड, और जैसे ही आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हैं तो आपको रुकना है। अब आपको रुकना है, आप क्या करेंगे, इसको 2 से लेकर 2 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद 0 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है रनिंग। ठीक है, अब समझिए कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी में क्या फर्क है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, ठीक है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मैं यहां से यहां तक 50 मीटर है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आप पकड़ के चलिएगा, ठीक है, और यहां से यहां तक दौड़ने में आपको लेट एग्जांपल 10 सेकंड लग गया, ठीक है, कितना लग गया, 10 सेकंड, तो ये आपका जीरो और ये इस पोजिशन पे आने पर आपको 10 सेकंड लग गया। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो कितना आएगा, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट 50 था, तो 50 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, तो 50 अपॉन 10, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी आया वो कितना आया, 10 मीटर सेकेंड आया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका एवरेज है। अब मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूं, ठीक है, तो अब देखिए यहां पास 10 है, यहां पास 15 है, यहां 10 है, यहां 2 है, और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं कि इस पॉइंट पे अराउंड इस टाइम पे आप 25 मीटर के आसपास होंगे, एक एग्जांपल समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि जब आपने 25 मीटर तक रीच किया, पहुंचे आप जब वहां तक, तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका वेलोसिटी कितना था, तो फॉर्मूला में चेंज नहीं है, फॉर्मूला वैसा का वैसे एवरेज वेलोसिटी जैसा ही है, बट ड्यूरेशन मतलब कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 के बीच का जो गैप है वो काफी कम हुआ। ठीक है, मतलब कि एक नेग्लिजिबल के बराबर, एग्जांपल समझ लीजिए, अब मैं 25 मीटर की बात करता हूं एक एग्जांपल, तो 25 मीटर के मतलब प्लस माइनस 0.01 ऐसे समझ लीजिए, लेट एग्जांपल की 24.9, इसको ऐसा करिएगा 25.1 माइनस 24.9, तो देखिए इन दोनों के बीच में काफी कम डिफरेंस है,
और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे समय भी काफी कम लगा होगा। लेट एग्जाम्पल कि यहां से यहां जाने में उस टाइम पे देखिए तो यहाँ टोटल 10 सेकंड है, तो मान लीजिए कि यहाँ पास में इसको 5 सेकंड का लगा होगा एग्जाम्पल, ठीक है, और उससे पहले इसको कितना लगा होगा, उससे पहले वो 4.9 सेकंड के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कितना हो सकता है, 5 माइनस 4.9, तो अगर अब आप इसका माइनस करते हैं तो 11 में से 9 गया 2 0.3, तो इतना है 0.2 आया, ठीक है। तो 0.2 मीटर का ट्रेवल करने के लिए इसको 0.1 सेकेंड लगा, तो 0.2 मीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम, 0.1 सेकेंड लगता है। तो अगर मैं इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी निकालता हूं उस पर्टिकुलर टाइम पे तो कितना निकलेगा, लेट एग्जाम्पल, तो 2/1 मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मेरा आंसर आता है। अब समझ सकते हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करता हूं, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ द डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द टाइम दोनों के दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो वो होता है इस टाइम के ऊपर में डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंड होता है, टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। अब जितना टाइम हम ज्यादा देंगे उतना दूर तक हम ट्रेवल कर पाएंगे, यही होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसलिए इसको लिया जाता है। तो देखा जाए तो ये वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, इंटायर पूरा का पूरा डिस्टेंस को लिया जाता है, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट को लिया जाता है। पर इंस्टेंटेनियस में क्या करना है, इंस्टेंटेनियस में आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की जाती है, मतलब इतने कम समय में जो जो भी व्यक्ति है जो दौड़ रहा है उसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो इसे लिखा कैसे जाता है, देखिए इसको लिखते कैसे हैं, तो इसका लिखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इस टाइम पे इस पे कैलकुलस का यूज किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब कि आपका डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो देखिए जो लोग मैथ्स वाले हैं वो लोग डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में जानते होंगे, ठीक है, और जिन लोग बायो वाले हैं उनको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जिस टाइम पे जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे मैं आपको वो फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपका समय बचेगा और आप मैथ्स में अपना माथा नहीं फोड़ पाएंगे, ठीक है। मतलब कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना आप सीख लीजिए तुरंत, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है आपका लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सॉरी टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी, और ये बनेगा आपका वेलोसिटी, कौन सा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगा, ठीक है। अब डेल एक्स अपॉन डेल टी, और इसको टी टेंस टू जीरो क्यों लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि एट इंस्टेंट टाइम, एट इंस्टेंट टाइम का मतलब कि नियर अबाउट द जीरो, ठीक है, नियर अबाउट द जीरो, इसीलिए इसको टी टेंस टू जीरो लिखा जाता है। अब डेल एक्स डेल टी क्या है, डेल एक्स को हम लोग डिफरेंशिएशन बोल सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, बट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखा जाता है डीएक्स अपॉन डी टी, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंट सीएसएन, ठीक है। तो डीएक्स अपॉन डीटी के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, मतलब कि इतना जब डीटी समय चेंज हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे डीएक्स कितना डिस्टेंस को कवर किया, मतलब कितना चेंज आया डिस्टेंस पे, ठीक है। और इसका इक्वेशन जो रहता है वो इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता है, इसकी जो वैल्यू रहती है ये जो एक्स की वैल्यू है इसको इक्वेशन के फॉर्म में ही दिया जाता है। लेट एग्जांपल कि एक्स इज इक्वल टू बोल देगा कि 0.08 t³, मतलब टी का क्यूब जब करेंगे तब उसको 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे एग्जाम्पल, तो इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इस टाइप से इसको दिखाया जाता है। तो अब इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी क्या क्या वैल्यूज दी गई है, ठीक है। तो इस टाइप का इक्वेशन मतलब कि ग्राफ का एक पैटर्न होता है ना, उस टाइप से चीजें हैं ये, ठीक है। तो इस पे आप ज्यादा सोचिए मत कि ये कहां से आ रहा है, इस टाइप की वैल्यूज आपको गिवन दी रहेगी डाटा कि एक्स डिस्प्लेसमेंट आपका इतना दिया हुआ है, और आपको एट इंस्टेंट टाइम पे आपको वैल्यूज को निकाल के
बताना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको डिफरेंशिएशन छोटा सा बता देता हूं कि कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए अब ये एक्स की वैल्यू क्या है, 0.08 t³, ठीक है, यही है वैल्यू। अब मुझे ये टी देख रहे हैं, टी के साथ डिफरेंशिएशन है, मतलब ये टी जरूर होना चाहिए नीचे। अगर ये टी नहीं होगा तो इसको ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो लिखते कैसे हैं, देखिए डी एक्स की वैल्यू है 0.08 t³/dt। ये टी है इसलिए इसको डिफरेंशिएट आराम से वो कर लेगा। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, 0.08, ठीक है। इसको लिखते हैं dt³/dt, इस टाइप से ये आ जाता है, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखिए टी क्यूब, या फिर इसको एक्स के टर्म पे भी ले सकते हैं, टी के टर्म पे भी ले सकते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लेते हैं, dx² / dx, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे लिखा जाता है, फॉर्मूला देखिए। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है आपका, इसको अगर आप n माने, ठीक है, पावर से लेना देना नहीं है, पावर मतलब कि कितना भी हो सकता है। तो कैसे फॉर्म लिखा जाता है, n(x⁻¹) ये है आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, किसका, x के लिए, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले का ही यूज हम लोग यहाँ पास में करेंगे। तो 0.08 t³ है, मतलब n की वैल्यू 3 है, देखिए 3, t है यहाँ पास में x, तो t n-1 तो 3-1, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, 0.08 × 3 t²। और ये आपका बनेगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आखिरी इक्वेशन, ठीक है। तो जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है, और इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल सकते। इसका रीजन समझिए, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा, अब समझिए कि ग्राफिकल मेथड से क्यों निकाल सकते हैं इसको। मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है और ये इस टाइप का हमारा कर्व है, ठीक है। तो इससे पहले एवरेज वेलोसिटी टाइम पे हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां लिया और एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां लिया, इसको x1 ले लिया था, इसको x2 ले लिया था, ये वाला x को बताता था और ये वाला टाइम को बताता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से एक स्लोप ऐसे लिया और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर लिया, x2 - x1 ले लिया, एक एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें इसका यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट काफी बड़ा है। अब मैं इसके डिस्टेंस को शॉर्ट कर देता हूं, मान लीजिए यहां से यहां तक, और इसको ऐसे लिया, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए P1 और इसका नाम दे दीजिए P2, तो P2 - P1 बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब मैं बोलू कि देखिए यहां से यहां तक का समय ये 2 है और ये 4 है। अब मैं बोलता हूं कि एट पर्टिकुलर यहां से यहां तक मैं बोलता हूं, तो मतलब ये 2.5 होगा, ये मान लीजिए 3.5 होगा। अब मैं बोलता हूं कि पर्टिकुलर 3 सेकंड पे, एट 3 सेकंड पे उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो देखिए यहां पास में आपके अभी टेंजेंट देख रहे हैं इस टाइप से यहां पास में ये पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब हमको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहां पास में डिस्प्लेसमेंट दिखेगा ही नहीं। एक सिंगल पॉइंट का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आप कैसे बताएंगे, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन हुआ कैलकुलस का, ठीक है। कैलकुलस किसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कैलकुलस में लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है जब हमारा टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब कि अब इंस्टेंट की जब बात करते हैं हम जब भी, ठीक है, तो देखिए टाइम को जीरो तो नहीं कर सकते। इसका एक सिंपल सा मतलब समझिए, ऐसा क्यों, अगर मैं एट जीरो टाइम की बात करता हूं तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा और टाइम भी जीरो है, और 0.0 कितना होता है, इनफिनाइट, इनफिनाइट, ठीक है, 0.0 इज इनफिनाइट। अब इसका मतलब समझिए, ऐसा क्यों, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अगर किसी के नीचे हमारा जीरो आ जाए, अगर कोई भी वैल्यू जैसे 1/0 या कुछ भी ले ले, तो जीरो आ जाए तो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट पे चली जाती है, ठीक है। अब इसको एक समझिए, बहुत सिंपल तरीका मैं यहां पर बताता हूं, ठीक है। अब समझ लीजिए कि कोई एक बंदा ही है जो यहां से यहां जंप किया, ठीक है। अब यहां से जब जंप किया, अब मैं बोलता हूं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी बताइए, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी बताइए, ठीक है। अब मैंने समय को जीरो कर दिया, एक एग्जाम्पल, तो अब यहां पास में उसका 4 सेकंड हुआ था, अब मैंने समय को जीरो कर दिया, मतलब अगर मैं समय को रोक दूं, एक एग्जांपल, ठीक है, तो यहां पास से जो बंदा कूद रहा था क्या वो मोशन में रहेगा, क्या वो मोशन पे रहेगा,
तो जितने पुराने फिलोसफर्स थे, जैसे फिजिसिस्ट जो हमारे फिजिशियन होते हैं, ठीक है, फिजिक्स वाले जिसको बोलते हैं, उनको पहले फिलोसफी फिलोसफर ही बोला जाता था। फिलोसफर मतलब कि वो बताते थे कि ऐसा हो रहा है, जैसे गैलीलियो जो थे वो फिलोसफर थे, ठीक है, तो वो बताते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, पर उनके पास में इनके प्रूफ नहीं थे, और जब प्रूफ आने लगा तो उसे हम फिजिशियन बोलने लगे। ठीक है, अब समझिए कि अगर कोई टाइम रुक गया है, ठीक है, और एट पर्टिकुलर टाइम पे वो ऑब्जेक्ट मोशन पे नहीं आ रहा, मूव ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं रहेगा, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या किया जाए? तो इस पर्टिकुलर टाइम पे न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है जिनको, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैलकुलस का इंट्रोडक्शन किया, और उन्होंने बताया कि ठीक है हम 0 सेकंड तक तो नहीं जा सकते, पर नियर अबाउट दी फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, मतलब कि एक इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट पे, मतलब जो समय है, समय का ड्यूरेशन को अगर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दिया जाए, तो हम उस समय की ड्यूरेशन में, ऑन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को बता सकते हैं कि हाँ इसकी इतनी वेलोसिटी थी, या फिर इतना इसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। जीरो तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अब बताइए कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो किस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है सेम। कब हो सकता है? अब एग्जांपल समझिए कि मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब बहुत ही छोटा सा अगर समय की मैं बात करता हूं, तो ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो सकता है, बट अगर मैं टाइम का ड्यूरेशन को बढ़ा दूं, ठीक है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों के दोनों डिफरेंट होगा। इसको मैंने आपको यहां पर करके बता दिया, पर अगर मैं बहुत ही छोटे समय की बात करता हूं, तो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, इफ द टाइम इज वेरी वेरी शॉर्ट, उस टाइम पे क्या होगा, आपकी एवरेज वेलोसिटी अलग आएगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग आएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक आपको चार्ट दिया गया है बुक में, के लिए मैं आपको चार्ट बताता हूं, कि वो चार्ट को समझ के आपको और ज्यादा एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे किया जाता है, और फिर बाद में इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे क्लेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आपको चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को कैसे निकाला जाएगा मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, इसमें से पहला वैल्यू मैं आपको निकाल के बताता हूँ, बाकी वैल्यू सब निकाल के खुद देखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो ये x की वैल्यू है, इसके लिए आपको एक इक्वेशन दे दिया, x इज इक्वल टू 0.08 t क्यूब, ठीक है, x की वैल्यू के लिए दिया हुआ है। अब इसमें आपको ये t की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो t की वैल्यू किस पॉइंट पे, एक t1 पे पड़ेगी और एक t2 पे पड़ेगी, तो ये t1 और t2 किस पोजिशन से आया और कहाँ से आया इसको समझिए, ठीक है। देखिए तो t1 की वैल्यू निकालने के लिए t − Δt/2 करिएगा, ठीक है, और t2 = t − Δt/+ करिएगा, ठीक है। तो अब ये t क्या है, तो आपको ये बताना है कि एट विच इंस्टेंट आपको वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं चाहता हूं कि t = 4 सेकंड के आसपास में मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 4। अब जब t 4 आता है, तो मुझे 4 के लेफ्ट और राइट दोनों देखना है, मतलब 4 सेकंड के पीछे और 4 सेकंड के आगे। तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मान लीजिए कि मैं 2, ठीक है, 2 सेकंड का डिफरेंस लू, ठीक है, 4 सेकंड पे 2 सेकंड का डिफरेंस लू, मतलब दोनों के बीच में 2 सेकंड का डिफरेंस आना चाहिए, तो 4 के पीछे कितना ले जाना पड़ेगा मुझे, 1, और 4 के आगे ले जाना पड़ेगा 1, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसलिए इसको यहां पास में −Δt/2 किया गया, डेल्टी क्या है, डेल्टी आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 सेकंड था, तो Δt/2 करने से क्या हो गया, 1 सेकंड, तो t में से 1 हट गया और t में से 1+ हो गया। देखिए तो ये कैसे आएगा यहां पास में, बहुत सिंपल तरीके से आ गया यहां पास में, t मतलब कि 4 − 2/2 बन जाता, 4 − 1 मतलब 3, ठीक है। अब इसको देखिए 4 + 2/2 कैंसिल, 4 + 1 मतलब कि 5, देखिए ये वाला आ गया वैल्यू और ये वाला आ गया, ठीक है।
मतलब कि हम टाइम के ड्यूरेशन को छोटा करते जाएंगे। देखिए ठीक है, टी वन टी टू आ गया, अब अपने को चाहिए एक्स टी वन। एक्स टी वन कैसे आएगा देखिए, तो सबसे पहले आपको इसको, ये जो इक्वेशन दिया है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएट द टू थिंग्स, मतलब कि अब इस समय से इस समय के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है, मतलब कि इस इन दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसीलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा आपका, वो इस समय से इस समय के बीच का जो ड्यूरेशन है, उस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, उसके बारे में बताने के लिए इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए 0.08 t³, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम पे कितना आ रहा है देखिए, इसका आएगा 0.08 t³, मतलब d/dt। ठीक है, एक्स की वैल्यू थी ये और ये वेलोसिटी थी। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, एक्स टी वन है ना, एक्स टी वन मतलब कि आपका एट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका कितना उसने स्पीड, जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो कितना आपको मिल रहा है। ठीक है, देखिए, हाँ सॉरी, वेलोसिटी के लिए था, तो देखिए कितना आ रहा है, 0.08 t³ का मतलब 3 t² ठीक है, और ये आपका वेलोसिटी का एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए 0.08 × t² ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पास। ठीक है, कैसे करते हैं, एक्स टी वन का यूज कैसे करेंगे, मतलब ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, देखिए 0.08, तो 0.08 × 3 × t कितना है यहाँ पास में, टी वन के लिए निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो फॉर टी वन के लिए एक्स इज इक्वल टू टी वन, मतलब एक्स टाइम पे, टी वन टाइम पे कहां पास में हम हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, टी का स्क्वायर है, और 0.08 × 27, तो 8 7 56, मतलब 6 5 ऊपर, 8 2 16 और 5 21। ठीक है, 2 पॉइंट मतलब ये 2.16, देखिए ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब एट एक्स जो है वो टी टू समय पे कितना है, मतलब कि 5 सेकंड जब हो रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना कवर, किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे था। जैसे कि आप एक रनिंग कर रहे हैं यहां से यहां तक, तो जब 3 सेकंड हुआ था तब वो 2.16 मीटर पे था, एग्जाम्पल। ठीक है, अब जब वो 5 सेकंड हुआ है तो वो 10.6 सेकंड के आसपास में, 10.6 मीटर के आसपास है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आएगा देखिए, इसी तरीके से आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो डेल एक्स निकलेगा। ठीक है, एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन, इसमें से इसको करेंगे तो 7.84 आएगा, और ठीक है, तो ये डेल एक्स की वैल्यू लिखिएगा आप यहाँ पास में, तो 7.84 डिवाइड बाई कितना आना है आपको, समय जो डिफरेंस है टाइम का कहाँ है ये, तो डेल एक्स कितना है, डेल टी कितना है 2, तो डिवाइड बाय इसको 2 करेंगे जब आप, तो आपका वैल्यू आएगा 3.92। ठीक है, अब इसको समझिए, अभी जो मैंने डिफरेंस लिया है समय का वो कितना डिफरेंस लिया था, अभी मैंने 2 सेकंड का डिफरेंस लिया था। ठीक है, अब ये जो समय का जो ड्यूरेशन का जो डिफरेंस है उसको मैं अगर छोटा कर देता हूं, मान लीजिए कि अगले टाइम पे मैंने 1 सेकंड का लिया, मतलब कि 4 के इधर, मतलब 3.5 और इधर 4.5, देखिए इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने ड्यूरेशन को शॉर्ट कर दिया, तो देखिए उस टाइम पे 3.5 पे 3.43 डिस्टेंस तक गया था मीटर तक, और ये 7.29 मीटर तक गया था आपका 4.5। ठीक है, डिफरेंस दोनों का आया 8.3.86 और हमारा वेलोसिटी आया 3.86 के आसपास, एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि 1 आया था। अब देखिए मैंने जो टाइम है उसको और शॉर्ट कर दिया, तो मैंने कितना शॉर्ट कर दिया, अभी 0.5 का मैंने कर दिया, 0.5 मतलब कि उसको तोड़ेंगे तो 0.25, 0.25 प्लस और माइनस होगा। देखिए तो इस पे 0.25 प्लस हुआ, इस पे 0.2, इसमें माइनस हुआ और इसमें प्लस हुआ। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो यहाँ पास में आया आपका, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.5 है। अब इन दोनों के कारण ये जो वैल्यू निकली है देखिए, ये टी 1 सेकंड के लिए 3.75 सेकेंड पे आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बंदा था,
और 4.25 सेकेंड पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बंदा था। देखिए तो देखिए ड्यूरेशन जैसे जैसे कम हुआ, अब देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी छोटा होते जा रहा है, देख रहे हैं 1.922, मतलब कि जैसे जैसे समय कम होते जाएगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी कम होते जाएगा। अब समय कम हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी कम हो गया, तो क्या वेलोसिटी भी कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी dx अपॉन dt होता है। तो देखिए 3.845, मतलब कि 4 के जितना नजदीक जाएंगे हमको पता चलेगा कि एट पर्टिकुलर 4 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी कितनी थी। तो देखिए इतना कैलकुलेशन करना आसान नहीं है इतना अभी, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करके एक एक चीज बताऊंगा तो ये वीडियो मेरे को लगता है 2-3 घंटे का बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप भी एक एक को सॉल्व करते मत बैठिएगा, किसी भी एक चीज को आप बस ट्राई करिएगा कि क्या मेरी वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है? किसी भी एक चीज को, चाहे इसको पकड़ लीजिए, इसको वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, ठीक है? इस तरीके से आपको निकालना है। एक्स की वैल्यू को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 0.083t2, तो ये वैल्यू आपको डिफ्रेंशिएशन करके मिल गई है, ठीक है? बस आपको इसमें समय को मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर कर देना है। तो अगर मैं बोलूं कि t2 के लिए, मतलब कि ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 4.005 का स्क्वायर करूंगा मैं और ये आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है? ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है? अब देखिए जो समय का जो डिफरेंस है 0.1 सेकंड पे आ गए, अब मतलब टाइम को और शॉर्ट कर दिया गया, 0.01 सेकंड पे आ गए, ठीक है? तो इतनी छोटी वैल्यू को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है हमको, इसको हमको कैलकुलस के मेथड से ही करना पड़ता है, ठीक है? तभी हमारी जो वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी आ सकती है, हम नियर अबाउट दी 4 सेकंड के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? तो देखिए 0.01 सेकंड जब इसका डिफरेंस आया तब t1 सेकंड कितना था, 3.995, नियर अबाउट दी 4 और आगे भी 4.005, मतलब कि इरर टाइप से आप समझ सकते हैं इसको कि पीछे इतना और आगे इतना, ठीक है? तो उस टाइम पे डिस्टेंस कितना था, देखिए 5.100824 और 5.139224, इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो भी काफी कम मिला, देखिए कितना 0.0384, ठीक है? अब इस ये डिवाइड बाय ये किया गया तो 3.84, मतलब हम नियर अबाउट दी पता कर रहे हैं कि एट पर्टिकुलर 4 पे, देख रहे हैं कितना डिफरेंस था, बहुत ही कम, मतलब नियर अबाउट दी 4 सेकंड पे हम पता कर रहे हैं कि 3.84 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो बंदा चल रहा था एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है? इंस्टेंट की बात हो रही है। अब मैं 0 कर दूंगा तो वेलोसिटी भी इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर में, इसको समझिएगा, ठीक है? मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ पहले, मेरे को लग रहा है शायद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको डाउट था। देखिए कैसा था, यहाँ पास में 0.08 t3 था, ठीक है? और ये x की वैल्यू थी और मैंने आपको बताया कि d/dt जब लिया जाता है तो ये वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है? और मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे xt1 निकालना था, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट निकालना था, डिस्टेंस निकालना था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो देखिए फॉर्मूला क्या रहता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू d/t। तो अगर वेलोसिटी को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेलोसिटी इंटू टाइम मेरा क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट बनता है, ठीक है? तो देखिए ये जो वैल्यू मेरी निकली थी ये वेलोसिटी की ही निकली थी, ठीक है? देखिए इसका निकाला था मैंने तो 0.08 3t2, ठीक है? तो देखिए ये पूरा वैल्यू मेरा क्या निकला था, ये पूरा वैल्यू मेरा डिस्प्लेसमेंट का ही वेलोसिटी का ही निकला था। अब वेलोसिटी को जब मैं समय टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या वैल्यू निकलेगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट निकलता है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पास में, ठीक है? इसी तरीके से इसको भी देखते हैं, ओके? ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है x इक्वल टू a+bt2। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो आपको इस इक्वेशन के फॉर्म में ही देगा, ठीक है? अब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे 8.5 मीटर पे आप थे, ठीक है? उसके बाद में आपने कुछ वेलोसिटी को एक्वायर्ड किया, देखिए कितना 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बी प्लस किया, ठीक है? तो देखिए अब इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थे ए पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने कुछ वेलोसिटी ली, कितना ले लिया 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपने चलना चालू कर दिया। उस समय आपका टी स्क्वायर, मतलब टाइम, आपका जो ग्राफ है वो हल्का कर्व लिया होगा इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना इंस्टेंट,
एट 0 सेकेंड, मतलब कि इसी सेकेंड पे आपका कितना वेलोसिटी था जब आप 8.5 पे थे, फिर उसके बाद 2 सेकेंड बाद आपने कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड कर ली, कितना आपकी वेलोसिटी हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने जब चालू किया तो 2.5 मीटर पर सेकेंड के साथ चालू किया था, ठीक है। अब उसी टाइम पे इसका वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है कि आपने ए से जब ये बी पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब आगे आपने बढ़ना चालू किया, तो यहां से यहां तक की आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, तो कैसे निकालेंगे, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है। ये आपका 0 है, मान लीजिए ये 2 सेकंड है, ये आपका 4 सेकंड है, तो 0 से 2 पे आपका कितना था वो अलग है, 2 से 4 के बीच का एवरेज भी आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के बताएंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला लगेगा डीएक्स बाई डी टी लिमिट ऑफ टी टेंस टू 0, ठीक है, तो डी अपॉन डी टी, एक्स की वैल्यू आएगी ए प्लस बी टी स्क्वायर, ए के साथ में टी नहीं है, टी नहीं है का मतलब कि टी के ऊपर में 0 है, ठीक है, सॉरी टी के ऊपर में 0 है, मतलब कि अभी टी नहीं है, अब इसको अगर मैं इक्वेट करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो इसको देखिए, ए इंटू 0 प्लस टी का स्क्वायर है, तो कैसे लिखूंगा, बी 2 टी, ठीक है, 2 नीचे आया, टी के पावर में 2 माइनस 1 मतलब कि 1, तो देखिए 2 के पावर में -1, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, 2 BT मेरी वैल्यू आ गई, और ये वेलोसिटी की वैल्यू है, ठीक है। अब वेलोसिटी की वैल्यू निकल चुकी है, अब देखिए एट टी सेकंड पे क्या होगा, एट टी इक्वल टू 0 सेकंड पे क्या निकलेगा, तो देखिए वेलोसिटी कितना निकलता है, तो इस टाइम पे वेलोसिटी निकलेगा 2 × 2.5 × 0, मतलब कि 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालना है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 2 × 2.5 × 2, 2 × 4 × 2.5, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए क्या बचा, 4 × 2.5 मतलब 25, मतलब 100, पॉइंट लगा दीजिए 10, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो एट पर्टिकुलर 2 सेकेंड पे उसके वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड पे वो था, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से चालू किया था उसने, और जब वो 2 सेकंड तक पहुंचा तो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चलना चालू कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में अगर मैं एक एवरेज वेलोसिटी निकालू तो कितना निकलता है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, x t2 - x t1, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। देखिए जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ भी एवरेज, तो उस टाइम पे डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करना है, तो हमारे पास में इक्वेशन डायरेक्टली ये दिया हुआ है, ए प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्या है हमारा, यहाँ पास में ए है हमारा 8.5, टी टू की बात कर रहे हैं, तो टी टू कितना था, 4 था, ठीक है, तो 4 सेकंड पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था, देखिए 8.5 + 2.5 ×, ठीक है, 8.5 + 2.5 × टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 8.5 + 2.5 × 16, ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। फिलहाल मैं वैल्यू को पुट नहीं करूंगा जिससे मेरा इक्वेशन जो है वो थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। देखिए ए प्लस बी और टी का स्क्वायर, अब टी का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 - 2, ठीक है, ए प्लस 4 × 4 = 16, बी माइनस ए माइनस 2 × 4 बी डिवाइड बाय 2, ये देखिए ये कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा छोटा हो जाता है इससे, ठीक है, 16 में से 4 बी गया तो बचेगा 12 बी डिवाइड बाई 2, कैंसिल 6 बचा, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकला है, तो 6 बी निकला ये बी, ठीक है, तो 6 × 2.5 मतलब कि 150, 25 × 6 150, पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर आया मेरा 15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, तो 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी निकला था
वो 5 मीटर पर सेकंड निकला था, और एट पर्टिकुलर T2 सेकंड पे मेरा जो वेलोसिटी निकला एवरेज का वो 10 मीटर पर सेकंड निकला। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को दिया जाएगा। मैक्सिमम लोग गलती कहाँ करते हैं, मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि एवरेज वेलोसिटी टाइम पे इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कभी कभार लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा गलती करते हैं इसका डिफरेंशिएशन पे, जो इक्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं देता है, कभी कभार थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है। बहुत कुछ होता है उसमें समय में, ठीक है। तो आपको इस पे डिफरेंशिएशन पे सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। आपको बन जाएगा, बस प्रैक्टिस करिएगा। एक ही फॉर्मूला है एक्स का, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एक्स के लिए जो भी पावर में होगा उसको पहले लिख दीजिए। एक्स एक्स आपका मतलब कुछ भी हो सकता है, समय हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पावर में जो भी एन का वैल्यू था उसमें से माइनस वन कर दीजिए, तो आपका एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इस लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप आपको ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। स्पीड, स्पीड में आप ध्यान दीजिएगा कि स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है। स्पीड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन आपको पता चलेगी, या तो वैल्यू माइनस या फिर प्लस में हो सकती है, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू बता देगा आपको, ठीक है। मतलब वेलोसिटी की वैल्यू अगर प्लस या माइनस होता है तो, बट जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा आपको, मान लीजिए कि ये 15 मिला, तो ये क्या है, ये उस टाइम पे स्पीड है, मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके आगे प्लस और माइनस होगा तो ये वेलोसिटी पे आप बताएंगे, और अगर खाली ऐसी दे देगा आपको तो आप स्पीड में इसको बता सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव है मान लीजिए, तो पॉजिटिव में आप वेलोसिटी को भी ले सकते हैं और स्पीड को भी ले सकते हैं, बट अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव साइन अगर दिखता है तो आप बोल सकते हैं इसको कि इसका जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो गया है, ठीक है। बट अभी मान लीजिए कि -15 मीटर पर सेकेंड दे दिया, तो ये सिंबल बताता है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो गया, और ये बताएगा आपकी वेलोसिटी कितनी है, और उसी को आप स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। थैंक यू।